हेलो दोस्तों, मैं हूं माविर सिंह शेखावत और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज से हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं गर्ल्स के लिए बेसिक स्टेप्स, जो कि आप इन स्टेप्स को सीखने के बाद कोई भी सॉन्ग की कोरियोग्राफी कर रहे हैं, आप घर पे ट्राई कर रहे हैं डांस करने का, तो इन स्टेप्स को आप किसी भी म्यूज़िक हो या कोई भी सॉन्ग हो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके के वीडियोस बैक टू बैक आते रहेंगे, जिनमें काफ़ी अलग अलग टाइप के स्टेप्स हैं जो कि पूरे ब्लॉक वाइज है। ठीक है, आज इस वीडियो में अपन सीखने वाले ये वाला स्टेप। तो इस स्टेप को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। ये पूरा ब्लॉक वाइज है और आपको अलग अलग तरीके से भी बताया गया है इस वाले वीडियो में कि किस तरीके से इस वाले स्टेप को आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये स्टेप कैसा लगा या आपको और किस टाइप के स्टेप्स चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, इसके लिए आप कोई भी म्यूज़िक ले लीजिएगा, किसी भी टाइप का म्यूज़िक, कोई सॉन्ग या कुछ भी ले लीजिएगा जिस पे 8 काउंट करना है अपन को, है ना। उसमें उसको करने के बाद आपको क्या करना है, जो सॉन्ग काफ़ी सारे मैंने पहले अपलोड कर रखे हैं वार्म अप की वीडियो, तो आपको वार्म अप करना है थोड़ा। ठीक है, चैनल पे काफ़ी सारे अपलोड है वार्म अप के भी वीडियोज़ हैं, उनको भी आप कंटिन्यू फॉलो करते रहें। और फिर वार्म अप करने के बाद आपको ये ट्राई करना है। तो इस वाले स्टेप को अपन को करना क्या है, फर्स्ट आपको बेसिक ऐसे ट्राई करना है कि जैसे राइट वाला स्टेप आगे लेना है, लेफ्ट टो पे रखना है, लेफ्ट आगे लेना है, राइट टो पे रखना है, राइट पीछे रखना है, लेफ्ट टो पे करना है, लेफ्ट पीछे रखना है, राइट टो पे करना है, ऐसे 8 टाइम तक काउंट करना अलग अलग, है ना। फर्स्ट राइट से स्टार्ट करना है, 5 6 7 स्टार्ट, 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8। आपको इमेजिन ऐसे करना है, जस्ट आप मेरे पास में खड़े होकर डांस कर रहे हैं, लाइक आपको फ़ोन को ऐसे रखना है, आपको इमेजिन कर रहा है कि आप मेरे पास में ही खड़े और अपन सामने देख के डांस कर रहे हैं। बहुत ही चुटकियों में आपको ये वाला स्टेप आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट राइट वाला स्टेप आगे लेंगे अपन, 1 and left toe पे 2, फिर लेफ्ट and 4 and 5 and 6 and 7 and 8, इस तरीके से ये ट्राई करना है। 5 6 7 स्टार्ट, 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8। जैसे ही जैसे आपका ये वाला स्टेप क्लियर होता है, इसके बाद में आपको जो ये 1 and 2 काउंट हो रहा है इसकी जगह ओनली 1 काउंट करना है, लाइक ये 1 और 2 में आपको कमर से हिट करना है 2। ठीक है, अब कमर आपका, अगर आप न्यू डांस कर रहे हो, कमर नहीं चलती अच्छे से, तो कमर कैसे चला है वो भी चैनल पे वीडियोस अपलोड है, ताकि जिससे कि आपकी कमर एकदम मस्त वाला मूव करेगी। ठीक है, तो इसमें भी आपको कमर का थोड़ा सा हिट आएगा। तो करना क्या आपको, जैसे राइट एंड हिट एंड लेफ्ट एंड हिट, फिर राइट से पीछे जाएंगे 5 and 6 and 7 and 8, जैसे अपन ने फर्स्ट ट्राई किया था ऐसे। ठीक है, जैसे जैसे ये डायरेक्शन समझ में आता है तो फिर डायरेक्ट करना, लाइक 1 and hit and 2 and hit and 3 and hit and 4 and hit। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो और अपनी जगह जो खड़े खड़े भी कर सकते हो, ये 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ठीक है, दोनों ही अच्छे लगेंगे, आप चाहे तो एक जगह खड़े वाला भी स्टेप कर सकते हैं और चाहे तो पूरे आगे पीछे वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो हैंड मूवमेंट अपन यूज़ करने वाले हैं वो इस टाइप के हैं, जैसे कि 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8, 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, इस तरीके से आपको हैंड मूवमेंट ट्राई करना है। इस तरीके से किया अपन ने कि जैसे हाथ ऐसे। ठीक है, अब दूसरी तरीके से पैर और कमर तो एक ही जैसे चलते रहेंगे, अब इसमें हैंड मूवमेंट और कैसे ऐड कर सकते हैं, इस टाइप से 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और तीसरी और तरीके से कैसे कर सकते हैं, जैसे ही पैर आगे लेते हैं, हाथ राइट हैंड को हेड पे, लेफ्ट को ऑपोजिट कमर पे, ऐसे 5 6 7 स्टार्ट, 1 थक 2 थक 3 थक 4 थक, ये भी मस्त लगने वाला स्टेप। 5 6 7 स्टार्ट, 1 and 2 3 and 4
5, 6, 7, 8, 8 इन स्टेप्स को आप किसी भी सॉन्ग में ऐड कर दीजिएगा, आराम से ऐड हो जाएगा। फिर चाहे भले इसको आप 8 टाइम तक करो या 16 टाइम तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। 5, 6, 7 स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो लेग मूवमेंट और कमर तो एक ही तरह से चला रहे हैं अपन, इसके साथ इतने सारे हैंड मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने कौन कौन सा सीखे, पहला है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सेकेंड था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, और थर्ड था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, इतने सारे तरीके से आप कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो और आराम से हो जाएगा, और चाहो तो खड़े खड़े करोगे तो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, इतने सारे तरीके से आप अलग अलग कर सकते हैं। तो अपन ने जो भी स्टेप अभी सीखे हैं इन सबको एक बार म्यूजिक पे करते हैं। तो इस तरीके से आप म्यूजिक पे भी कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। आपने ये वीडियो सारे स्टेप आसानी से सीखे या कोई प्रॉब्लम हुई, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कमेंट तो आपको करना ही है, किसी भी टॉपिक को लेके कीजिए, या किसी भी आपको कोई सॉन्ग चाहिए या किसी तरीके का और डांस चाहिए, या ये वाला डांस कैसा लगा, ये वाले स्टेप्स कैसे लगे, उसके बारे में आप बता सकते हैं। इन वीडियोस को कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा, ये बैक टू बैक आते रहेंगे, काफ़ी सारे पार्ट्स आएंगे इनके जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आपने ये स्टेप्स अच्छे से किया है तो कोई भी सॉन्ग पे करके मुझे इस वाली इंस्टाग्राम आईडी पे टैग कीजिए, मैं भी देखूंगा कि आपने कितना प्यारा किया। तो मिलते हैं अगले वाले पार्ट में, पार्ट टू में। तब तक इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है, और चैनल पे और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्यूटोरियल है, वो भी आप देख के कंटिन्यू सीख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपके पास बैक टू बैक आते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।